नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश नारायण सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लगातार एक और जहां कोरोना वायरस से जनता को बचाने का प्रयास किया है, चाहे वह लॉकडाउन हो चाहे सरकार के माध्यम से आचार संहिता का पालन करने की जन जागरण की बात हो, उसी का परिणाम है कि 137 करोड़ के देश में कोरोना महामारी आई जरूर है, लेकिन हमने उसे बहुत विधिवत रूप से उसकी रोकथाम में काम किया है। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वैक्सीन कुछ समय से आएगी। भारत बायोटेक ICMR के साथ पूरे देश में और पूरे प्रदेश में वैक्सीन के ट्रायल का एक कैलेंडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भी उनका यह प्रपोजल आया था। पीपल्स मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल होना है। विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार जहां एक और कोरोना वायरस से जनता को बचाने का प्रयास किया, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे सरकार के माध्यम से आचार संहिताओं को पालन करने के लिए जन जागरण की बात हो, और उसी का परिणाम निकला कि 137 करोड़ के देश में कोरोना महामारी आई जरूर, परंतु हमने उसको बहुत विधिवत रूप से उसकी रोकथाम में काम किया। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वैक्सीन कोरोना को की ऐसा लगता है कुछ समय में आएगी। भारत बायोटेक ने ICMR के साथ पूरे देश में इस वैक्सीन के ट्रायल का एक कैलेंडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भी उनका ये प्रपोजल आया था, पीपल्स मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल होनी है, क्योंकि ये सब ICMR के निर्देशन पर और उनके गाइडेंस में हो रहा है। तो ICMR जो भी हमसे सहयोग ले रहा है, उस सहयोग के लिए मध्य प्रदेश की सरकार तत्पर है। कल कुछ ट्रायल हुए हैं, आगे भी ट्रायल होंगे, पीपल्स मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, GMC में भी होंगे, पहले एम्स में भी हुआ है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ट्रायल सक्सेसफुल हो, सुरक्षित हो, और आगे भी वैक्सीन को लेकर हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की सरकार ने वैक्सीन को के रखरखाव के लिए, क्योंकि वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का एक निर्माण करना होता है, वैक्सीन आएगी वो बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वो भी माइनस डिग्री टेम्परेचर पर उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। वैक्सीन जहां लगेगी वहां पर भी कोल्ड चेन डेवलप करनी होगी। हमारी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरी तरह कोल्ड चेन पर काम किया, हमारी कोल्ड चेन हमने स्थापित कर दी है। जैसे ही ट्रायल सक्सेसफुल होगा, इस वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने का भी काम होगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हमें जो पहले चरण में हेल्थ वर्कर को जो वैक्सीन लगाने के निर्देश के लिए सूची बनाने का काम दिया गया था, वो हमारी सरकार ने कर दिया है। सभी हेल्थ वर्कर की सूची हमने तैयार कर ली है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, और आगे भी जो भी निर्देश होंगे केंद्र सरकार के, उसका पालन हम करेंगे, और ICMR और बाकी जो भी देश की शोध की संस्थाएं, उसको मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। भोपाल से समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.